वहीं पंजाब की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसकी जानकारी एक्स पर दी है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन पर अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर सुनील जाखड़ ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। एक्स पर जारी एक वीडियो में जाखड़ ने कहा कि भाजपा पंजाब में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं सुनील जाखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे लोकसभा चोन कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहबान की वख-वख राय, उन्हें सारे नूं लै के उहदे बाद पंजाब दे भविख, पंजाब दी जवानी, पंजाब दी किसानी, पंजाब दे व्यापारी, पंजाब दे सनअतकार, पंजाब दे मजदूर, साडा पिछड़ा वर्ग सारिआं दी बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते आ फैसला लिया। क्योंकि जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने, किसे तों ओले नहीं। किसानां दे फसलां दा एक एक दाणा पिछले 10 साल चक्किया गया MSP ते जिहड़ी उन्हां नूं उहदी भुगतान है हफ्ते दे अंदर अंदर उन्हां दे खातिआं दे विच पहुंची है। करतारपुर साहब दा लांघा जिहदे वास्ते सदियां तों इत्थे लोग खुले दर्शन दीदारां दी मंग करदे सी, उह भी प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहनुमाई दे विच सानूं अज आ जिहड़ी कृपालता वाहिगुरू ने जिहड़ी मेहर कीती है, बख्शिश दित्ती है, आ प्रधानमंत्री मोदी जी दी BJP सरकार नूं आ बख्शिश प्राप्त हुई है। ते अगे भी पंजाब दा सुनहरा भविख आ मन के कि पंजाब दी बेहतरी, पंजाब दा सुरक्षित भविख ते पंजाब दी सरहदी मजबूती, इत्थे अमन शांति नूं मजबूत रख के ही भारत अगे तरक्की कर सकदा है। इस दे मद्देनज़र आ फैसला लिया गया ते मैनूं पूरा यकीन है आने वाले 1 जून नूं पंजाब दे लोक BJP नूं होर मजबूत बना के देश दी उन्नति दे विच पंजाब दा योगदान BJP नूं वोट दे के हुम हुमा के पाणगे।